विश्व प्रसिद्ध पंडवानी गायिका पद्म विभूषण श्रीमती तीजनबाई का जन्म जिस शहर में हुआ, उसी शहर में कुछ परिवार ऐसे थे जो समाज की मुख्य धारा से पीछे छूट गए थे। चलिए ऐसे ही कुछ परिवारों से रूबरू होते हैं। लाइट के परेशानी है और यहाँ कितना मच्छर जाते, बीमार बहुत पड़ते हैं। क्या बदलाव जो मच्छर से बचेंगे भैया? पानी का सुविधा होगा, हम लोग का पानी का सुविधा होगा, नल का सुविधा, मतलब लाइट का सुविधा हो जाएगा। हम लोग बच्चों की जिंदगी में पढ़ाई लिखाई अच्छे से होगा, लाइट वाइट रहेगा, पानी वानी अच्छे से रहेगा। तो अगर पानी मिल सर हिंदू वाले घर में सर हमारे रह नहीं सके, बहुत निकल जहाँ कोई क्या घर रखा में घर के हमें बड़ा मुश्किल है। हम लोग पानी से घर से सके भोजन कर रहे सर, नहीं सके बाहर निकल जाए सर, नाम प्यास में पानी भी नहीं है, सूर्य से पानी ले सर हुआ सूर्य गेट से अब तक घर में रहेंगे, मच्छर नहीं आएगा वहाँ, यहाँ तो बाहर में बहुत मच्छर आते हैं, वहाँ मच्छर पानी के कुछ मत मिलना चाहिए। यहाँ पानी का परेशानी है, लाइट का परेशानी है, गड्ढा गुड्ढी है, मच्छर अच्छा बदलाव आएगा, तो वहाँ भी चलेगा, यहाँ भी जो परेशानी वो नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के घटक भागीदारी में किफायती आवास के अंतर्गत ऐसे परिवारों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। जब से स्टेडियम का निर्माण किया गया था तब से ही मन में एक डर सताता रहता था कि हमें भी किसी दिन हटाया जाएगा और फिर हमारा परिवार सड़क पर आ जाएगा। पर संवेदनशील राज्य सरकार और देश के मुखिया के मन में कुछ और ही योजना चल रही थी, जहां उन परिवारों को सर्व सुविधा युक्त पक्के घर दिए जाएंगे जिससे उनके जीवन शैली में सुधार आ जाएगा।